आप लोगों ने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे जिनमें आप लोगों को बताया जाता है कि आप स्नैपसीड के माध्यम से अपनी बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइज उस फोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाती है और वो फोटो देखने में काफ़ी डल सी लगती है। तो आज की इस वाले वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं और भी फुल HD में आपकी फ़ोटो की जो है क्वालिटी थोड़ा सा भी लॉस नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप भी सीख जाएंगे। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे। देन गाइस ओपन कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस प्लस वाली आइकन पर क्लिक करके अपनी उस फोटो को ले लेंगे जिस फोटो को हमें एडिट करना है। जैसे कि गाइज मुझे इस वाली फ़ोटो को एडिट करना है, तो मैं इस वाली फ़ोटो को यहां से सिंपली ओपन कर लिया हूं। देन गाइज ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को पहले स्टेप में क्या करना होगा, अपनी फ़ोटो में थोड़ा सा डिटेल से डालना होगा। तो उसके डालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, साइड में इस पेंसिल वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों के सामने ऊपर साइड में एक डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देन गाइज क्लिक करने के बाद आपको इसकी स्ट्रक्चर को 20 कर देना है और नीचे आकर इसकी शार्पनिंग को भी हम लोग 10 कर देंगे। देन गाइज ये सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देन गाइज जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी बैकग्राउंड को चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करने के लिए हम इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और आप लोग ऐसे नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद आप लोगों के सामने एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देते हैं। देन गाइज इस प्लस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देने के बाद आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बैकग्राउंड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सिंपली इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। देन गाइज लेने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल से आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 100 कर देना होगा। देन गाइज 100 कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो पूरा बैकग्राउंड जो है घेर लेगा। तो इसको साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, वेव एडिट पे क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस जैसे ही आप ब्रश को लेंगे आपकी साइज यहाँ से 100 हो जाएगी। तो सिंपल से आपको क्या करना होगा, अपनी बैकग्राउंड पर कुछ इस टाइप से आपको इरेज कर लेना होगा। तो आप लोग अपनी फ़ोटो को ऐसे जूम कर लीजिएगा। देन गाइस जूम कर लेने के बाद आपको अपनी बॉडी को छोड़ के बॉडी के साइड साइड से कुछ इस टाइप से आपको इरेज करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम देके करिएगा, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, आप लोग आराम से करिएगा। देन गाइज आप लोगों को ऐसे ऊपर से इरेज कर देने के बाद आप अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से छोटा कर लेंगे और नीचे साइड से आप लोगों को क्या करना होगा, साइज़ को 100 करके कुछ इस टाइप से आपको नीचे से इरेज कर देना होगा। देन गाइज जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसे नीचे से इरेज, आपकी फ़ोटो जैसे लगे कि घास के अंदर चली आई होगी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन गाइज जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो ये हमारे नीचे से फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा फेक लग रही है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक ग्रास की PNG को ऐड करने वाले हैं। तो उस PNG को ऐड करने के लिए यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे और उस PNG को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल वाले आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके यहाँ से प्लस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक कर लेंगे और उस ग्रास की PNG को हम लोग ले लेते हैं। देन गाइज ऐसे PNG को लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इसे जूम कर लेना होगा, कुछ इस टाइप से आपको जूम कर लेने के बाद आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो
तो आप लोगों को यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सिंपली लाइटेन कर देना होगा। देन गाइस जैसे ही आप लाइटेन करेंगे आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से पीएनजी लग जाएगी और यहाँ से हम लोग सिंपली राइट पर क्लिक कर देंगे। देन गाइस जैसे ही आप राइट पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ कितना अच्छे तरीके से मैच हो गई है, जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है। और थोड़ा सा इसमें हम लोग कलर ग्रेडिंग कर देंगे और हमारी फ़ोटो जो है बेटर हो जाएगी। तो उसको करने के लिए हम लोग इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और आप लोगों को ऐसे ऊपर आना होगा। और ऊपर आने के बाद आप लोगों के सामने ट्यून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से इसकी कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, 10 कर देंगे +10। और इसकी सेचुएशन को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, फोर्टी कर देंगे। देन गाइस इसकी अम्बाइंस को भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, इसको भी हम लोग +40 कर देंगे। हाईलाइट को डिक्रीज कर देंगे हम लोग -20 और शैडो को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे 30 कर देंगे। देन गाइस ये सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। व्यू एडिट पे क्लिक कर देंगे, ट्यून इमेज पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस ब्रश को लेने के बाद आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से साइज आपको 0 कर देना होगा और अपनी फ़ोटो को जूम करके अपनी स्किन से इस इफेक्ट को कुछ इस टाइप से आप लोगों को रिमूव कर लेना होगा। देन गाइस रिमूव कर लेने के बाद आपको यहाँ से सिंपली राइट पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से सिंपली बैक हो जाएंगे। और बैक हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है चेंज कर दिया है और हमारी फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ा सा भी लॉस नहीं हुआ है, जैसा हम लोगों का फ़ोटो पहले था वैसा ही है। तो आप लोगों ने देखा कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर दिया है। और इस फ़ोटो को सेव करने के लिए इस नीचे साइड में तीर के आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ से सिंपली हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे और हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी।